गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंग्लिश विद रोहित। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं मोटिवेशनल, एजुकेशनल एंड इंग्लिश लर्निंग वीडियोस। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ये बताना बिल्कुल न भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है इंग्लिश विद रोहित। और अभी हम लेकर चल रहे हैं अपना सीरीज इजी टू ट्रांसलेट, ये पार्ट 4 है। इसमें भी आपको कुछ रूल सीखने को मिलेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सारे सीरीज देखें, सीरियल वाइज देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं पार्ट 4 इजी टू ट्रांसलेट। वर्ब के साथ जब हमारे पास ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं जैसे शब्द दिखाई दें, किसी सेंटेंस के एंड में आपको वर्ब के बाद हिंदी के सेंटेंस में जब ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं जैसे शब्द दिखाई दें, तो आपको रूल यूज करना है कीप या कीप्स ऑन प्लस आईएनजी वर्ब के साथ। जैसे मान लीजिए एग्जांपल है हमारा, राहुल सारा दिन खेलता रहता है, तो हमारी वर्ब है खेलना। खेलने के साथ हमने देखा ता रहता है, शब्द दिखाई दे रहा है, तो हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, हम लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस कीप या कीप्स ऑन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट। अब ये कीप्स क्या है, ये कीप्स कुछ नहीं है, आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखा होगा, उसमें आपको पता है कि जब ता है ती है आता है तो हम सिंगुलर नाउन के साथ एससीएस का प्रयोग करते हैं, तो वही काम यहां पर करना है आपको। अब क्योंकि हमारा राहुल जो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में वो सिंगुलर नाउन है राहुल, तो हम वर्ब के साथ एससीआईएस का प्रयोग करेंगे। राहुल कीप्स ऑन प्लेइंग द होल डे, राहुल सारा दिन खेलता रहता है। और एक बात का ध्यान रखें, जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाए तो डू डज का प्रयोग करें, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये, उसके साथ ता रहता है ती रहती है का हमने रूल मिक्स किया है। राहुल डज नॉट, क्योंकि राहुल सिंगुलर नाउन है तो डज का प्रयोग होगा, अगर प्लूरल नाउन होता तो हमारा डू का प्रयोग होता। राहुल डज नॉट कीप ऑन प्लेइंग द होल डे। दूसरी बात देखिए, यहां पर कीप्स ऑन लिखा है, यहां पर कीप ऑन लिखा है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में कभी भी एससीएस का प्रयोग नहीं करते, तो हमने यहां पर लिखा है राहुल डज नॉट कीप ऑन प्लेइंग द होल डे। ठीक है, नेक्स्ट रूल है हमारा इसी की पास्ट फॉर्म। ता रहता है को जब हम पास्ट करेंगे तो हमारा सेंटेंस बनेगा ता रहता था, ती रहती थी या ते रहते थे, या फिर हम ये भी कह सकते हैं ता रहा, ती रही, ते रहे। जैसे कि मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं कि वह सारा दिन खेलता रहा, मैं कल सारा दिन पढ़ता रहा, वह उसे पीटता रहा, तो ये पास्ट फॉर्म हो गई। ठीक है, इसमें हम क्या यूज करेंगे, इसमें हम कैप्ट ऑन का यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस कैप्ट ऑन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट। क्योंकि हमारा पास्ट है तो हमने कीप की सेकेंड फॉर्म कैप्ट को यूज किया है, लेकिन नेगेटिव में आप ध्यान रखें डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो डिड नॉट जब आप लगाएंगे तो कीप ऑन ही आएगा, कैप्ट ऑन नहीं आएगा। एग्जांपल देखते हैं, वह सारा दिन पढ़ती रहती थी, शी कैप्ट ऑन स्टडिंग द होल डे। यहाँ पे कीप की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, शी कैप्ट ऑन स्टडिंग द होल डे। अगर हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो सेंटेंस बनेगा शी डिड नॉट कीप ऑन स्टडिंग द होल डे। ठीक है, आई होप कि इस सीरीज में आपको बहुत अच्छे अच्छे रूल्स सीखने को मिले हैं। लगभग हमने 10 अलग अलग तरह के रूल्स का यूज किया है आप सारे से। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सकें, और नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि हम और मेहनत करें और बेटर वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई एनर्जी और नई जोश के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।